13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तुम्हारा शादी करने का मकसद हमारे अर्तुरुल से, हमारी हलीमा से अपने यकतरफा नाकाम इश्क का इंतकाम लेना है। अर्तुरुल हमारे अंदाजे से ज्यादा खतरनाक निकला। सुल्तान अलाउद्दीन समेत उसके बेशुमार हमदर्द हैं, जैसे कि ये उसके मामू साहब। ये जिंदा भी मुसीबत है हमारे लिए और मरने के बाद और मुसीबत बन जाएगा। हलीमा और देली दमीर दोनों कबीले में नहीं, सुल्तान अलाउद्दीन से मिलने गए हैं। सुल्तान को उनकी हुकूमत के खुफिया दस्तावेज पहुंचाने गए हैं और फिर अर्तुरुल के खिलाफ होने वाली साजिश पे भी बात करेंगे। अर्तुरुल गद्दार नहीं है। हाँ, ये कि ना हमारे सरदार ऐसा करेंगे। क्या बात, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सरदार कोजाबाज जख्मी हालत में आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। वो जिरगे में आकर कुछ बताना चाहता है आपको। इजाजत है। कुजाबाज, क्या हुआ है तुम्हें? क्या बात है? अर्तुरुल ने अपने सिपाहियों के साथ हम पर हमला किया। अपनी बकवास बंद करो कुजाबाज, जानते भी हो क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जो देखा वही कहा मैंने। उन्होंने ये हालत की है मेरी। आपको सबूत चाहिए था ना? ये है सबूत। देखे क्या हाल किया इसका। तुम्हारे साथ तू तकिन भी गया था, वो कहाँ है? मेरे सामने वो शेरों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन लड़ते लड़ते पूरी तरह जख्मी हो गए। उसके बाद मैं जख्मी होकर बेहोश हो गया और जब मैं होश में आया तो चारों जानिब लाशें थी, लेकिन उनमें तो तकीन भाई मुझे कहीं नजर नहीं आए। झूठे, झूठ बोल रहे हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? सरदार क्या हुआ? भाई क्या हुआ? भाई सरदार, हाय मां, कोसता हूं उस दिन को जिस दिन तुम लोग मेरे कबीले में आए। चले जाओ यहां से। सिपाहियों का दस्ता तैयार करो फौरी तौर पर। तू तक इनको जिंदा या मुर्दा हर सूरत ढूंढना होगा हमें।
इतनी परेशानी वाली बात है। वो लोगों को घर से बाहर क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? किसी लोग पता नहीं और बुजुर्ग लोग क्या करेंगे? चुप से क्यों नहीं सको हमारे सरदार की सही कहते हैं लड़ के चली गई वो चले गए पाक अपने जमाने से हमारी क्या मदद कर रही है तो तुम नहीं तुम क्या है अल्लाह सुकून अता फरमाए। आखिर पैमाना छलक ही पड़ा। جانب خون کیا دریائے سلنج کافی ہوگا اس خون کو دھونے کے لیے جس سے میرے دونوں ہاتھ رنگین ہو چکے ہیں یا پھر دریائے الونگور کا جذبات بھڑکاتا پانی یا دریائے یہ نہیں صحیح یا یہ تینوں اگر ایک ساتھ مل بھی جائیں तो क्या मेरे हाथ साफ कर देंगे ओलोबिल जी? मैंने आज बहुत से जंगजुओं को मौत के घाट उतार दिया। कितना अज़ियतनाक है ये, कितना खतरनाक। बताओ लोबिल जी, और कितने जंग जो मेरे हाथों मौत के घाट उतरेंगे? कब खत्म होगी यह अज़ियत? हमने इन्हें पूरी दुनिया दे दी है। सच है, पूरी दुनिया दे दी हमने इन्हें। मंगोलों ने इन्हें अपना भाई बनाना चाहा ताकि मिलकर इस दुनिया पर हुकूमत कर सकें। इत्तेफाक से हमजा और अब्दुल रहमान हमारे साथ शामिल होकर हम रकाब हुए। ये दोनों हमारे लिए शमशीर की धार की तरह हैं। उस भाइयों के साथ मिलकर हम पूरी दुनिया फतह कर लेंगे, लेकिन वो वक्त आने तक वो अपने मुतकब्बिर, खुदगर्ज लालची और अहमक सरदारों की तकलीद करते हुए खुद को तबाह कर लेंगे। तुम क्या कहते हो हमजा? दुरुस्त कहा तुमने नोयान। जब तक दोनों कबाइल के ना अहल सरदार अंजाम को नहीं पहुंच जाते, उस वक्त तक ना हमारे सिपाही और ना ही कबीले के लोग सुकून में आ सकते हैं। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है अब्दुल रहमान? काफी खामोश हो तुम इस मामले में। अर्तुरुल सिर्फ वजीर आर्तुकुश का ही कातिल नहीं, बल्कि सलजूक सिपाहियों का भी कातिल है। यहां तक के तूतकिन का कातिल भी वही है।
बताओ अब्दुलरहमान, सिपाहियों का रुझान किसकी तरफ है, किसके ताबेदार हैं, हाइमा खानम या कोरकुत सरदार? आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नोयान, अर्तुरुल का सर कलम हो जाएगा। काई और दुर्गा वालों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो लोग अपने ही खून में नहा जाए या फिर आपके साथ शामिल हो जाए। तीसरा रास्ता नहीं है कोई। दुनिया फतह करने के लिए उन्हें आपके साथ शामिल होना ही पड़ेगा। पूरे कबीले में शेखिया भगा रहा होगा कि हमें कैसे शिकार बनाया उसने। भाई का शुक्रगुजार होना चाहिए उसे, वरना हम लोग कब का उसे जमीन में गाड़ चुके होते। अगर हम उन्हें मारते तो वापसी के दरवाजे बंद हो जाते हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे भाई? कोजाबाज की गद्दारी साबित करनी है, कुछ भी करके ये मामला खत्म करना होगा हमें। इत्मीनान रखें, आइए खाना तनावल फरमाएं, वक्त बहुत कम है मेरे पास, बस एक खबर देने आया हूं। खैरियत है आर्तुक भाई? तू तक इन मर चुका है। ये सब कैसे हुआ? कोजाबाश ने बताया है, आप और आपके सिपाहियों ने मारा है उसे। Oh.
सरदार, कोरकुल साहब, खुदारा संभालिए अपने आप को। सरदार सरदार, देखिए मैं हूँ आयतोलन, आपके साथ हूँ। मैं अपने गुनाहों का खमियाजा भुगत रहा हूँ। पहले मेरी बीवी और फिर मेरा बेटा हमारे गुनाहों की भेंट चढ़ गया, और अब मेरी बारी है। मैं जानता हूं अब मेरी बारी है, जानता हूं, मैं जानता हूं। तू तक इनको कुछ नहीं हुआ, बेफिक्र हो जाए, आप देख लीजिएगा वो वापस आ जाएगा। खुदारा खुद को संभालिए। तो दुर्गा कबीले के लोग अपने सरदार को तंदुरुस्त देखना चाहते हैं, संभालिए खुद को। काई कबीला यहां नहीं रह सकता, उन्हें कल यहां से हर सूरत जाना होगा। मैं यहां मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता उन्हें, अब ये बिल्कुल नामुमकिन है, कोई सूरत नहीं। अब बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात पर यकीन नहीं है इसलिए आया हूं यहां, लेकिन सिवाय मेरे पूरा कबीला यकीन कर चुका है। अगर आपने जल्द कोई कदम ना उठाया तो पूरे कबीले में खूनरेजी हो सकती है। उसकी लाश मिली उन्हें? नहीं। मंगोलों ने उसे मारकर इल्जाम मेरे सर लगा दिया। शैतान अपना हर हर्फ आजमाएगा, लेकिन यह आप पर मुनहसर है कि आप उससे कैसे नफरत आजमा होते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई, आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मुमकिन है वो जिंदा हो, उसे तलाश करना होगा, हमें साथ चलेंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। जैसा आपका हुक्म भाई। अभी से हमारे सिपाहियों को सारी रात बेनियाम तलवारों के साथ पहरे पर रहना होगा। कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। हम और नहीं ठहर सकते यहां। अगर दोनों कबाइल के सिपाही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। अगर जल्द हमने कोई कदम ना उठाया तो रोजे मैशर इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। वो कहां है मुझे मालूम हो गया है। आर्थुर उन्हें जिंदा लेकर यहां आए ताकि सजा मिल सके उन्हें। मैं जरा जाकर उसको जब बाद से तफ्तीश करता हूं, शायद कुछ सामने आ जाए। वालिदा, आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? कोरकुत भाई से बात करने। वालिदा, ये आप क्या कह रही हैं? सिपाही मुश्तहिल हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। आप तनहा नहीं जाएंगी वहाँ? मेरी औलाद की तरह हैं ये सारे सिपाही।
मैं इनका दर्द जानती हूँ। इन्होंने अपने सरदार को खोया है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो मेरी बच्ची। थे आप आर्तुक साहब? सिपाहियों ने आपको हर जगह तलाश किया। बहुत माजरत चाहता हूं आयतुलन खातून, बुखार में मुब्तिला एक मरीज को देखने जाना पड़ा मुझे। बेहतर होता आप खबर कर देते। खैर, आप इनका इलाज फौरी शुरू कीजिए। सरदार, कोरकुत को तुम्हें रोकना होगा। वो बीमारी में कोई गलत फैसला ना कर ले। वो जिंदा रहे या मर जाए मुझे कोई परवाह नहीं। उसका मर जाना शायद हमारे लिए ज्यादा सूदमंद साबित हो। ये अंदरूनी इख्तलाफात मुझे अलाउद्दीन की नजरों में बिल्कुल गैर फाल कर देंगे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे दवा दे दी है मैंने, सुबह तक नहीं उठने वाला वो। लेकिन ये दवा उसकी जान भी ले सकती है भाई। अगर जरूरत पड़े तो उसे हमेशा के लिए सुला दो, गहरी नींद सुला दो। इत्मीनान रखें, बहुत जल्द मैं ये भी कर दूंगी। क्या कह रहे हो? काई कबीले को यहां से निकालने पर मुसर है। अहमक आदमी, अब तक जिंदगी में एक ही काम सही किया, उसे भी बिगाड़ना चाहता है। सरदार, हाइमा खानम आई है। भेजो उन्हें। कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे बात बिगड़ जाए। हमें उसे नाराज नहीं करना। खातिर जमा रखो तुम। मुझे भाई से मिलना है अपने। वो इस वक्त बेहोश हैं, हरारत में इजाफा हो गया है उनकी। हमें उनकी इस हालत पे शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हवास में होते तो तबाही का तूफान बर्पा हो जाता। अपना फर्जंद खोया है उन्होंने, इसलिए मुझे डर है कि कोई गलत कदम ना उठा बैठे। तू तक इनकी गैर मौजूदगी में मेरे लिए सिपाहियों और कबीले के लोगों और कोरकुत भाई को काबू में रखना खासा मुश्किल होगा, आप समझ सकती हैं। बहुत शुक्रिया गुमश्तकिन, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। हकीकत जल्द खुद ब खुद जाहिर हो जाएगी और उस वक्त हमारा एक दूसरे से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाएगा। आर्तुक की क्या राय है भाई के बारे में? उनके मुताबिक वो सुबह तक अपने हवास में नहीं आ पाएंगे। अगर अर्तुरुल सरदार की मौत का सबब बना बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो तूतकिन की मौत का सबब बना है, तो फिर दोनों कबायल खून के दरिया में नहा जाएंगे। हैमा खातून, आ, 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 आ,
खबरदार, इनसे कहो यहां से बाहर जाए। कहो इनसे बाहर जाओ यहां से। मेरी जान बचाई, लेकिन आपने मुझ पर यकीन नहीं किया, अपने भाई की बात को ही सच माना। अर्तुल जिम्मेदार है और उनके साथ तुर्कुतान बमसी और दिली तमीर भी उनके साथ शामिल थे। उन्होंने हमारा घेराव करके एक एक का शिकार किया। तो वहां से तुम कैसे फरार हो गए? बहुत मुश्किल से। और अर्तुरुल कैसे अपने एक हाथ से तूतकिन से लड़ने में कामयाब हो गया? पहले तो तीर चलाए उन्होंने, उसके बाद अर्तुरुल और तूतकिन में तलवारबाजी शुरू हो गई। अर्तुरुल अपने मफलूज हाथ का फायदा उठाकर फरार हो गया। काश तूतकिन जिंदा हो और आप ये सब कुछ उसके मुंह से सुन ले। इंशाल्लाह। हमें हर हाल में तूतकिन को ढूंढना होगा, जिंदा या मुर्दा। तुम्हारे बेहतरीन खोजी उसकी तलाश में लेकर जाऊंगा मैं। मैं भी चलता हूं भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तुम यहीं रुको, आराम की जरूरत है तुम्हें। वैसे कहां हुआ था यह हादसा? अगर उन लोगों ने आप पर हमला कर दिया तो भाई, मैं उनका वो हशर करूंगा कि उनकी हड्डियां भी दफन होने के लिए नहीं बचेंगी। भेड़ियों की खुराक बना दूंगा उन्हें, समझे? बताओ अब कहां हुआ था हादसा? कुर्दबुआसी पर। हलीमा सुल्तान, हमारे लिए अब वापसी का रास्ता नहीं है। जैसे ही मौका मिले कोनिया रवाना हो जाना। परेशान ना हो आप, जब तक आप मेरे साथ हैं तो रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को भूलें। अगर मैं वापस ना लौटूं और फर्जंद हो तो उसकी तरबियत जंगजुओं की तरह करना, ताकि वो मेरे नक्शे कदम पर चले। इस मामले में फिक्रमंद ना हो आप। अल्लाह के बाद मेरी औलाद और हलीमा आपके हवाले। बिल्कुल इत्मीनान रखो बेटा, जान भी कुर्बान है मेरी। जब तक जिंदा हूं मैं, इन दोनों को कुछ नहीं हो सकता। जिहाद मुबारक हो तुम्हें बेटा। सिपाहियों, तुम सब मेरी बात गौर से सुनो। हम सब यहां हाथ पे हाथ रखकर
तू तक इनके वापस लौटने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें सच ढूंढना ही होगा और कोई रास्ता नहीं। या तो हम जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे को ही मार डालें, या फिर हम मुत्तहिद होकर दुश्मन को नीस तो नाबूद कर डालें। और अब अगर ये साबित हो गया कि मेरा भाई और उसके साथी इस घिनौने अमल में शामिल हैं, तो ना मैं सलजूक अदालत के फैसले का इंतजार करूंगा और ना ही आप सबके बरहक इंतकाम का। उसे खुद अपने हाथों से मैं अंजाम को पहुंचाऊंगा और अपने इस मकसद को पाने के लिए हमें फौरी तौर पर सरदार तूतकिन को ढूंढना होगा ताकि सच सबके सामने आ जाए। अल्लाह के हुजूर दुआ गो हूं मैं कि तूतकिन जिंदा हो ताकि हमारे कबीले में अमन सुकून लौट कर आ जाए। खैरियत है भाई? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, इस मुश्किल में मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। बहुत शुक्रिया आपका। सिपाहियों, अल्लाह का नाम लेकर तैयारी शुरू करो। सुबह हो गई लेकिन अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे उसे जमीन निकल गई। ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन तुम्हारा भाई एक मफरूर मुजरिम की तरह छुपता फिर रहा है। अगर तुम उसे काबू में रखते तो ये सूरत हाल ना पैदा होती। या अल्लाह सब्र दे मुझे। भाई, पहले हम तूतकिन को तलाश कर लें, बाद में मेरे भाई की इस्लाह पर भी बात कर लेंगे। मैं इस तरफ जाकर देखता हूं। आगे बढ़ो तुम, चलो शाबाश। फैल जाओ चारों तरफ। हाँ।
अब्दुल, कहां लापता हो तुम? तू तक इनको कैसे मार सकते हो आखिर? मैंने उसे नहीं मारा भाई। आहिस्ता बोलो, वो लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। कोजाबाश के जरिए मंगोलों के लिए जाल बिछाया था, लेकिन तू तक इन गोपचे के कहने पर मुझ तक पहुंच गया। लड़ना चाहता था मुझसे। जब मैंने लड़ने के लिए मना किया तो उसने ताकुब किया और मंगोलों ने मार दिया उसे। ये तुमने किस मुश्किल में डाल दिया हमें अर्तुरल? मैं तो यकीन कर लूंगा तुम्हारा, लेकिन बाकी सबको कैसे कायल करोगे तुम? कोजाबाश गद्दार है भाई, मैं साबित करूंगा। अगर तुम इसी सोच के साथ चलते रहे तो तुम मजीद मुश्किलात खड़ी करोगे हमारे लिए। चलो साथ कबीले वापस चलो, हमें पहले एहतसाब करने दो। ये मुमकिन नहीं, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से पकड़ कर लेके जाऊंगा, समझे? कुंदोगदू, हथियार डाल दो। तुरंत तुम लोग आगे देखो। कुंदोगदू, यहां भी कोई सुराग नहीं मिला। मजीद रुकना बेकार है, वापस कबीले चलते हैं। हमें जल्द आजिम सफर होना होगा दिल्ली दमीर। हमारी सवारियां तेज रफ्तार हैं, तुम परेशान ना हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। खुश आमदीद हजरत। जहाद के लिए तैयार रहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया आला हजरत। अगर दुश्मन हमारे लिए हर वक्त तैयार है तो हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा हजरत। आप यहाँ तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाह। अर्तुरुल दुश्मन का सामना करने गए हैं, लेकिन बहुत देर हो गई, लौटे नहीं अब तक। दुश्मन शैतान की मानिंद है। क्या मतलब? इंसान आरिफ तब बनता है जब वो अपनी लग्जिशों पर काबू पाले और शैतान को पहचान ले। शैतान का काम है रास्ते से भटकाना, और बंदे का काम है उसको शिकस्त देना। जो इंसान भी शैतान के हरबों को पहचान लेता है वो अल्लाह की मारिफत हासिल कर लेता है। नफ्स से लड़े बगैर इंसान कभी भी सौले नहीं बन सकता। शैतान अपने आप को मखलूक में सबसे ज्यादा जहीन समझता है। वो इंसान पर पूरी ताकत से हमलावर होता है।
वो समझता है कि उसने बशर को गुमराह कर दिया, मगर हकीकत में वो उस बशर को रोज बरोज रब के करीब कर रहा होता है। शैतान चाहे इंसान को कितना ही गुमराह कर ले, लेकिन रब के शुक्रगुजार बंदे उसके दाम में नहीं फंसते। और जूं जूं इंसान शैतान को शिकस्त देता है, उसका अल्लाह पर ईमान मजबूत तर होता चला जाता है। हमारा दुश्मन हमें जिस मेराज पे पहुंचने से रोकना चाहता है, वो ये नहीं जानता कि इस तरह वो हमारी मदद कर रहा है। हलीमा बेटी, अल्लाह हमें ईमान सालेह नसीब फरमाए। शैतान और दुश्मन के साथ पूरी कुव्वत से नबर्द आजमा होने की तौफीक अता फरमाए, खुलूस के साथ। आमीन आमीन। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने हजरत, अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन आमीन। दरवेश, तुम जरा जाकर अमानत की देखभाल करो। जैसा आप कहें हजरत। सुता मिश्र।